ये है जूको वैली। जगह जगह फिसलन है और सारा ऐसे ही कच्चा रास्ता। व्हाट इज द बेस्ट टाइम? बेस्ट टाइम क्या है इधर आने का? मतलब कौन सा महीना है? अभी बच्चों गए हैं सुबह के 9:30। मैं हूँ बेस कैंप में जूको वैली के और अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। बैग पैक कर चुके हैं, ये रखा। तो देखते हैं कितना समय लगेगा। हालांकि जो अंदाज़ा है कि शाम को अभी 9 बजे है तो लगभग 5 बजे से पहले तो नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि 7 किलोमीटर नीचे है और 8 किलोमीटर ऊपर, तो टोटल 16 किलोमीटर है। करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या है कि ये एक पॉइंट होता है जब आपके मन में आता है कि यार क्या करें, कि 1000 रुपये गाड़ी को दे के 7 किलोमीटर क्रॉस कर लें या पैदल ही चला जाए, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरे भी मन में है। और लग रहा है कि डाउट में होता है ना, करें या नहीं करें, पर करूँगा। और यही एटीट्यूड और ज़्यादा डेवलप होगा जब एक बार ये कर चुका हूँगा। मुश्किल होगा, ठीक है, चलेगा, पर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आधा घंटा ही हुआ है ऊपर चढ़ के, एक स्टॉप लेना पड़ा। बैग को थोड़ा और कवर अप कर लिया है इससे, वाटर रेन कवर से, लेकिन चलते हैं आगे क्योंकि चलते रहना है, रुकेंगे नहीं भाई। एक घंटा हो चुका है ट्रैक पे चलते चलते। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो देख रहे हो ना, अभी जो बादल में बोल रहा था, पहले नीचे थे, अभी उन बादलों में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, हल्की हल्की जैसी बारिश होती रहती है हमेशा बादलों के अंदर। वो अभी भी है, छोटी छोटी सी बूंदें, भीनी भीनी बारिश कह सकते हैं उसको। ये देखो, हाँ, पर मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ और है कि ये जो ट्रैक है ना भाई, ये हमें एक चीज़ सिखाता है और वो है असंभव की जो सीमा है। हमारे हर किसी के लिए हर छोटी छोटी चीज़ में एक सीमा होती है असंभव की, इम्पॉसिबल की। तो उस सीमा को क्रॉस करने की जो है ना टेक्निक सिखाते हैं ट्रैक। शुरू में लगता है कि नहीं यार, 16 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना, 15-20 किलो का बैग कैसे होगा, नहीं होगा, रहने दे, गाड़ी ले लेते हैं, जहाँ तक छोड़ेगी छोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं। और जब आप ये चीज़ कर लोगे, मैं भी अब जब ये ट्रैक पूरा कर लूँगा, एक अजब सी खुशी कह दो, सक्सेस की खुशी कह दो, वो रहेगी। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बहुत याद आता है। उन्होंने कहा है कि संभव की सीमा को जानने का एक ही तरीका है, असंभव से परे चले जाओ। तो हर बार वही करते रहना, उसी को प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप पहुंचा देगा। और उस पोजीशन पे जहां दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, टॉप स्पोर्ट्समैन होते हैं, टॉप एक्टर्स होते हैं, हर किसी ने पार किया यार ये। हम भी करेंगे, चलो चलते हैं आज के इस छोटे से असंभव को पार करने के लिए। ये है यहाँ का मोटरेबल पॉइंट, कि जहाँ तक गाड़ी से आप लोग आ सकते हैं। मैं नहीं आया, वो अलग बात है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सारे लोग कुछ आए हैं, कुछ जा रहे हैं। और इधर एक घर भी है, रुकने का तो इधर नहीं है व्यवस्था, रुकने का नीचे ही है। तो यहाँ से अब 3 घंटे और है ट्रैक। 3 घंटे में 2.5 घंटे ही चला था। 9:30 में निकला था, एग्जैक्टली 9:28 पे, और एग्जैक्ट 12 बजे में यहाँ पहुँच गया था इस मोटरेबल पॉइंट में, मतलब 2.5 घंटे में। तो आगे भी शायद 3 घंटा तो लगेगा, जैसा लोग बोल रहे हैं, सीधा पहाड़ है। तो चलते हैं ऊपर। 3 घंटा लगेगा ना ऊपर? अच्छा, मैक्सिमम 3 घंटा, ओके, चलो। बाकी भाई साहब हैं सभी इधर जो टैक्सी चलाते हैं, तो आइए आप भी। ज़्यादा आसान तो वही है, टैक्सी से आ सकते हैं। बाकी हमारी तरह थोड़े डेयरिंग है तो आओ पैदल। चलिए चलते हैं ऊपर। असली ट्रैक शुरू होता है भाई यहाँ से, देख रहे हो। अब यहाँ से बस ये संकरी सी सीढ़ियाँ हैं, इनके सहारे ऊपर जाना है। सीढ़ियाँ भी पत्थर की हैं, बिगड़ी टू सुधरी सी। ये है वो असंभव जिसकी बातें हो रही थी। ये देखिए, ये सारा ट्रैक ऐसे ही है, पत्थरों से, मतलब ऊंचा नीचा जैसा भी, जुगाड़ू रास्ता बना करके। और इस पे चल के जाना है यार, मुश्किल तो है, पर जब मुश्किल को पार करते हैं और फिर जो एटीट्यूड डेवलप होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। चलते हैं आगे इस तरफ। भाई 1:28 हो चुके हैं, 1 घंटे बाद स्टॉप लिया है अभी चढ़ते हुए, और असली ट्रैकिंग चल रही है। एक चक्कर और क्या है, बारिश है, तो बारिश की वजह से देखो पूरी ज़मीन गीली हो गई, जगह जगह फिसलन है, और सारा ऐसा ही कच्चा रास्ता है, तो मतलब फिक्स प्रॉपर ट्रैक तो है ही नहीं, ये कहें कि कुछ बना हुआ है, जुगाड़ है। तो भाई अभी क्या है, बारिश हो रही थी थोड़ी तेज़, तो पर लगभग मुझे लगता है कि आधा रास्ता तो क्रॉस कर लिया है, मतलब पहाड़ की जो ना मेन चढ़ाई थी, इसके बाद थोड़ा बहुत तो पहाड़ बचा है और लगभग फ्लैट ही होगा रास्ता। बट जैसे लोग बता रहे हैं कि स्लिपरी है, मतलब फिसलन ज़्यादा है बारिश की वजह से, तो कोई नहीं, उसका भी इलाज करेंगे। जब निकल ही आए तो सोचना क्या। ये है ज़ुको वैली, जिसके लिए 6 घंटे से चलते हुए कीच में और बारिश में, कीच में बारिश में झाड़ियों से निकलते हुए पता नहीं क्या क्या किया है। आहा, ये भी है इधर। बड़ा संभल के चलना पड़ता है। हाँ देखो 2 दिन रुकेंगे तब थोड़ा प्रोसेस होगा दिमाग कि हाँ कुछ अच्छा है। होता क्या है ना, जब ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं, थोड़ी विषम परिस्थितियों से, तो दिमाग भी कहता है कि यार कुछ नहीं है, कहाँ गए, किसने कहा था, ये वो सब होता है। लेकिन ठीक है, चलते जा रहे हैं, पहुँचते हैं अब थोड़ी देर में, लगभग पहुँच चुके हैं वैसे। हाँ ये देखो रास्ता समझ आ जाएगा कैसा है। अंततः पहुँच चुके हैं टॉप पे, या कहें कि ट्रैक के ऊपर, पर यहाँ से कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा। ये जो साइट है मुझे लगता है इसके अलावा दूसरी तरफ भी एक और साइट है ऐसे ही, तो शायद देख के आना पड़ेगा। बाकी जो भी है टॉप तो आ गया, और दूसरी इनिंग में मुझे लगे 12:30 से शुरू किया था, तो 4 अभी बज चुके हैं, तो इतने में अपना पूरा हो गया है। तो चलिए अभी यार बहुत थकान है, अब मिलते हैं आगे। कई बार क्या होता है कि कुछ जगहों पे आना बड़ा व्यर्थ सा लगता है, और यही लगता है कि यार हम आए ही क्यों, क्या ज़रूरत थी, है क्या इधर ऐसा। तो इस जगह पे भी सेम यही कह सकते हैं, सिवाय इस व्यू के जो भी यहाँ से दिख रहा है, और कुछ विशेष है नहीं। यही है वो ज़ुको वैली। तो चलिए बाकी कुछ खाने पीने की तैयारी की जाए। ये रहा भी अपना खाना, मैगी प्याज जो भी कुछ है जुगाड़ करके चल रहा है, क्योंकि यहाँ थाली है 250 की, चावल दाल और आलू की छोटी सी भाजी, थोड़ी सी, वो भी एक छोटे से प्लेट में। एक्स्ट्रा लोगे तो और देना पड़ेगा। और अपने पास था माल, था मैगी वैगी, थे दूध ये सब था, तो चल रहा है काम। और अभी दिन के 2 बज चुके हैं, दूसरा दिन है इधर, तो ठीक है कुछ काम करते हैं फिर थोड़ी देर में। यहाँ ट्रैक पे आने के बाद एक रिचुअल है कि जो भी आएगा आने के बाद सबसे पहले आग के पास बैठेगा और अपने कपड़े सुखाएगा, क्योंकि यहाँ आते आते आप पूरे गीले हो जाओगे। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, इसके बाद ही दूसरा कुछ कर सकते हो, चाहे वो खाना हो पीना हो। मैंने भी किया था, कल किया था, आज भी कर रहा हूँ दोबारा धो के। अभी क्या है कि आज निकलने की तैयारी है, पैकिंग तो नहीं किया, सारा फैला पड़ा है सामान, तो थोड़ी देर में पैकिंग वैकिंग करके निकलेंगे। बाकी 9 बज चुके हैं, पर बारिश इतनी ही है, तो बारिश को देख के लगता नहीं है कि यार चलने का मन है, पर जाना तो पड़ेगा। हाँ उससे पहले ये रहा अपना स्टोव, और इस पर भाई कर रहा हूँ अभी पानी गर्म, क्योंकि रास्ते में चाहिएगा, और गर्म हो तो उतना ही अच्छा। चलिए चलते हैं थोड़ी देर। तो भाई सुबह के 10:50 हो चुके हैं, और समय है यहाँ से विदा लेने का। तो अभी देखना होगा कि कितने समय में उतर पाते हैं। हालांकि मौसम वही है, ना तो बारिश का आने का पता ना जाने का पता। मोस्टली जितने भी लोग मेरे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में, ज़्यादातर तो जा चुके हैं, और बच्चे कुछ हैं वो तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो नीचे वैली में मैं नहीं गया, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोटो ऊपर से ही मिल गए थे। कुछ लोगों को जैसे गए तो उनके फ़ोटो देखे तो समझ गया कि हाँ कुछ मेरे लिए नहीं है वर्थ। आप आइए ज़रूर देखिए, क्योंकि असली पॉइंट तो वैली का ही है, और कोशिश कीजिएगा साफ़ मौसम में आने का, ताकि आप सीधे वैली में जा सकें और टेंट भी वहीं पे लगा सकें। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे अपने वापस उन्हीं रास्तों पे। अभी समय है ट्रैक से निकलने का, पैकिंग कर चुके हैं, बैग टांग चुके हैं। बाकी जैसे बारिश का भी समय में मैं आया तो थोड़ा मुश्किल है यार ट्रैक करना, यहाँ पर आना, और फिर रुकने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो भाई हैं इधर से ट्रैक गाइड, ये थोड़ा आपको बता सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम क्या है इधर आने का, मतलब कौन सा महीना है? ये 16, 14, 13 इन जून, जून में। तो मतलब जून में 13 से 16 तक, 13 to 16 जून जो होगा वो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का। और उसके अलावा जैसे अगर आप ठंड में आते हैं तो पूरा फिर बर्फ़ मिलेगा। अगर किसी को शौक़ है ठंड में हाइक करने का, विंटर में हाइक करने का, तो वो भी अच्छा है भाई, आइए आप, तो वो अलग एक्सपीरियंस है। बाकी बारिश वाला एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं है, आ सकते हैं अगर आपको स्पेशली क्लाउड्स देखने हैं, वो सब देखना है, इट इज़ ऑल्सो गुड। तो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। बाकी बड़ा अच्छा लगा, भाई भी इधर ट्रैक गाइड है, सबके साथ यहाँ या स्टाफ बड़ा अच्छा है। सो चलते हैं अभी आगे, अभी थोड़ा चलना भी है। बारिशों में भी ट्रैक करने का अपना अलग ही मज़ा है। ये देखो, बाकी आ रहे हैं लोग अपना करते करते, पैर के पॉलीथीन, हर चीज़ का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। अभी आ चुके हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट पे, तो मुझे यहाँ पहुँचने में 1 घंटा 40 मिनट लगा। 11:10 पे मैं निकला था, 12:50 एग्जैक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसके बाद मुझे लग रहा है 1.5 घंटे का और मानो नीचे जाने का। और हमारे जो बंगाली मित्र हैं, जो एक टोली वहाँ पर मिली थी, वो भी इधर ही ठहरे हुए हैं। 1.5 घंटे लगभग लगे इस पॉइंट तक पहुँचने में, और 1 घंटा प्लस कर दो हमारे इन मित्रों के लिए। ये क्या है, ये टोली ऊपर ही मिली थी, कल जाते वक्त भी मिले, आज आते वक्त भी। तो नौगाँव से है ना सारे, तो भाई ये हैं सभी नौगाँव से, असम में। अच्छी जगह होगी। चलो अभी नीचे चलते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे। समय है 1:20 और निकलते हैं अपने दूसरी जर्नी पर। देखो कितना समय लगेगा, लेकिन ये थोड़ा वो है, पूरा सीढ़ी नुमा खड़ा पहाड़ जैसे, तो ये पूरा हाइट से नीचे उतरना है। तो देखते हैं, तो अभी जो मोटरेबल पॉइंट है उसके पास पहुंचने वाला हूं। वो सीढ़ियों वाला रास्ता ख़त्म हो चुका है और नॉर्मल ट्रेल शुरू हो गई है। तो देखते हैं क्या जुगाड़ बैठता है, कोई लिफ्ट मिलती है कि नहीं तो पैदल तो है ही। फाइनली अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई, सत्य की जीत हुई, और हम अपना ट्रैक पूरा कर चुके हैं। और समय की अगर बात करें, क्या समय क्या हुआ भाई? अभी 2:08 अभी हो चुके हैं, 2 PM। हाँ, तो टोटल 1:20 पे, सॉरी 11:10 पे चला था मैं ऊपर से, तो समय आप लगा लीजिए जितना भी है। ओवरऑल ये है कि एक एक्सपीरियंस था, जिसके लिए मुझे करना था कि भी नीचे से ऊपर जाना ही है और पैदल जाना है, इसीलिए मैंने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं ली थी। हाँ, अगर समय की बात करें, अब आती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि किस समय यहाँ पे आना उचित है। तो यहाँ के लिए लगभग 3 महीने हैं। एक तो जब ठंड ख़त्म होती है, तो मार्च और अप्रैल का जो महीना है, मार्च का एंड और अप्रैल की शुरुआत। दूसरा है जून, जून में 13 से 16, तो बोले यहाँ जो मैंने बात भी की थी तो उन्होंने बोला है सबसे बेस्ट, मतलब उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट टाइम यही है। इसके बाद है कि जब बारिशें ख़त्म हो जाएं और ठंड शुरू होने का समय हो, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये तीनों ही मौसम उचित हैं। और गुवाहाटी से आप चाहें तो दीमापुर आकर के गाइड ले सकते हैं, वहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप सीधा यहाँ ट्रैक पे ला करके वापस दीमापुर छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा, अगर मेरी तरह आप थोड़ा रिस्क लेने में मज़ा आता है आपको, तो आप स्वयं भी आ सकते हैं। वहाँ से कोहिमा आइए, कोहिमा से जूको वैली के लिए विश्वेस्मा विलेज है, वहाँ पे आना पड़ेगा, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है। और ऊपर मतलब वहाँ से गाड़ी आपको मिल जाएगी मोटरेबल पॉइंट तक के लिए, लगभग 1000 रुपये पर कार। हाँ, बाकी आप फिर ट्रैक के मज़े लीजिए। तो चलिए, अब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी वीडियो हमारे भाइयों के साथ में, क्योंकि मैं अकेला नहीं था जिसने ये ट्रैक किया और ऐसा एक्सपीरियंस लिया। तो भाई भी हैं, भाई रांची से हैं और भाई गुवाहाटी से हैं, तो ऐसे और भी बीच में भी मित्र मिले थे, उनको भी दिखाया है। तो चलिए यार, मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी नई जगह पे नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।